400 से इंडिया का पुनः कितने गए बिहार में, अरे कौन दौड़ता है औरंगा बिला सर, कौन दौड़ने वाला है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी किराना कितना बात आने की कोशिश की, जितने बात आएंगे उतने बार और मजबूत से उभरे, जेल जाना मजबूत जेल जाना वो तैयार हुआ लेकिन किसी आए झुका नहीं, अब किसको कौन दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है, लेकिन लालू यादव एक तरह से चट्टान की तरह एनडीए में खड़े हैं और खासकर इंडिया का लालू इंडिया मतलब लालू पूरे इंडिया का बंधन एक चट्टान पर खड़ा है, पूरे इंडिया का बंधन कश्मीर कन्याकुमारी पर जितने भी बीजेपी के विरोधी दल है जो संविधान लोग विश्वास करता है जो संविधान के मानने वाले लोग हैं जो सत्ता के लिए नहीं है देश के लिए आज राजनीति कर रहा है वो सारे लोग एक साथ है नरेंद्र मोदी सत्ता से बेहतर करने जिसके विश्वास हिंदुस्तान के संविधान पर है बाबा राम बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान पर है वो सारे लोग इसमें एक साथ है सिर्फ नरेंद्र मोदी सत्ता से बेहतर करने के लिए और देश में संविधान मुताबिक सरकार स्थापित करने के लिए। जो दानिश जी के बारे में सदन में बोला गया कि वो अमर्यादित नहीं कहा उस समय कहां थे नरेंद्र मोदी जी उनकी कहां थे अमित शाह ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बोलते हैं सदन में उनको निलंबित कर दिया जाता है हम तो मांग करते हैं बीजेपी सांसद को बर्खास्त करना चाहिए चुनाव वगैरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इससे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए लेकिन आप कह रहे हैं रमेश बिजोरी जो दानिश अली को तमाम गलत से लफ्जों से नवाजे उन्हें बहुत तरह कटुआ कहा गया आतंकवादी कहा गया मुल्ला कहा गया ओवरऑल लेकिन बीजेपी तो उन्हें तो एक तरह से उस नफरत भरी बयान पर उन्हें एक तरह पदोन्नति कर दिया है उन्हें एक तरह से प्रभार दे दिया है राजस्थान में जो चुनाव होने वाला है तो ये क्या कहेंगे नफरत बीजेपी राजनीति क्या है बीजेपी राजनीति सिर्फ धर्म वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर महाजी यही तो है बीजेपी का राजनीति है क्या बीजेपी राजनीति इसी पर आधारित है विकास कोई मतलब नहीं है विकास से कोई लेना देना नहीं है क्या करेंगे बयानबीरों को बढ़ावा दे रहे बीजेपी जिस दिन क्या नाम उस सांसद का रमेश बिजोरी जिस दिन वो बोल रहे थे उस दिन हमारे गृह मंत्री उसी सदन में बैठे हुए थे क्या उनकी कड़ाई हुई पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि वो क्या कार्रवाई क्या मनोज संजय सिंह पर कार्रवाई हो सकती है राहुल यादव पर हो सकती है और कंपनी हो गई जो बीजेपी के रमेश जी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए तो सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए लेकिन तो उन्हें तो नवाजा गया है उन्हें पार दिया है देश कहाँ जा रहा है आप भी देखिए देश कहाँ जा रहा है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर नई सरकार देश में बनी इंडिया का बंधन मनोज झा ने किसी जाति किसी समुदाय किसी व्यक्ति को कैद नहीं उन्होंने कविता के माध्यम से संसद में रखा उन्होंने जाति का कैद नहीं किया किसी व्यक्ति प्रश्न किसी व्यक्ति को कैद नहीं किया ये बीजेपी का बनाया हुआ एजेंडा है जो बीजेपी मार्केट में जा रही है उसमें कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं ऐसे किसी जाति विशेष को उन्होंने कुछ नहीं बोला है वो सिर्फ एक कविता के माध्यम से उन्होंने कविता कहा है सदन में किसी वो जाति किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोले हैं ठाकुर तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं ठाकुर तो भिखारी ठाकुर जी हैं ठाकुर मतलब इस विशेष जाति नहीं हो गया ठाकुर मतलब बहुत से लोग आता है और किसी ठाकुर की जाति किसी धर्म के विशेष नहीं बोले लेकिन उन्होंने बोलने का मकसद यही था अपने अंदर ठाकुर मारो अपने अंदर घमंड को मारो अपने अंदर के घमंड को मारो ठाकुर में घमंड नहीं होता है इसे आप गलत मत चलाइए ठाकुर में घमंड हो गया ये भी नहीं चला दीजिएगा कहने का मतलब है कि अपने अंदर बैठे हुए ठाकुरों को मारो अपने अंदर एक कविता है कविता भी पढ़े होंगे कविता जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ में आज बयान दे रहे हैं कुट कुट कर वो भी कविता पढ़े होंगे लेकिन राजनीति देखता हूँ तो बयान दे रहे हैं कुछ भी विद्वान है जो लोग दे रहे हैं और लेकिन बयान शुरू कहाँ से हुआ किसके द्वारा शुरू किया गया कहाँ शुरू हुआ ये भी जानने वाली बात है ये बीजेपी जो हमारी इंडिया का बंधन बनी हुई है इंडिया का बंधन से बीजेपी घबरा गई है ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को उछाल रही है दो आदमी पूरे हिंदुस्तान चला रहा है हिंदुस्तान के लिए संविधान चाहिए हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक चलना चाहिए लेकिन आज दो आदमी संविधान चला हिंदुस्तान चला रहा है संविधान कोई लेना देना नहीं है इनको इनको सिर्फ दो हितलशाही लोग बैठे हुए हैं गुजरात के वही आज देश चला रहे हैं संविधान बचेगा कभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा कभी कोई एमएलए बनेगा ये बड़ी बात नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए और प्रधानमंत्री हमारे पास कई उम्मीदवार है हम तो मेरे अपनी विकट इच्छा है कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री कुमार हैं देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं हम तो हमारी इच्छा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री बने लेकिन ये हमारी इच्छा नहीं होगी पूरे इंडिया का गठबंधन तय करेगा पूरे हिंदुस्तान जनता तय करेगी पीएम कौन बने नहीं हमारे गठबंधन में पीएम की कोई लफड़ा नहीं है हमारे गठबंधन का कोई पीएम का मुद्दा नहीं है पीएम कोई बात हमारे पास कई ऑप्शन है पीएम उनके पास क्या ऑप्शन है नरेंद्र मोदी छोड़ कोई ऑप्शन है उनके पास एक चेहरा नरेंद्र मोदी वो भी चेहरा महिला दूल्हा और क्या क्या हो गया है।
आप देख रहे हैं जामिया और साधु पब्लिक न्यूज। हमारे साथ हैं रितेश यादव जो कि आरजेडी युवा एक तरह से प्रदेश महासचिव तीसरी बार बनाया गया। खास तौर पर सबसे पहले तो आप पर लगातार आरजेडी युवा एक जो अध्यक्ष है लगातार आप पर भरोसा दिखा रहे हैं और आप तीसरी बार महासचिव बन गए हैं बिहार का। सबसे पहले जामिया वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश महासचिव बनाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिभावक राजद सुप्रीमो लालू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास जताया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनके विश्वास में मैं कायम हूँ रहूंगा और उनके बनाए हुए रास्ते पर ओके। लेकिन लगातार जिस तरह से अभी मैं मतलब कि विवाद चल रहा है उसे पर्सनल ले रहे हैं, खास तौर पर बहुत सारे ऐसे जो मैं बताया जा रहे नेता हैं जो पर्सनल ले रहे हैं। मनोज झा जो जिस तरह से संसद भवन में कविता पढ़े हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मनोज झा ने किसी जाति किसी समुदाय किसी व्यक्ति को कैद नहीं किया, उन्होंने कविता के माध्यम से संसद में रखा। उन्होंने जाति का कैद नहीं किया, किसी व्यक्ति पर्सनल किसी व्यक्ति को कैद नहीं किया। ये बीजेपी का बनाया हुआ एक एजेंडा है जो बीजेपी मार्केट में भजा रही है, उसमें कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं। इसे किसी जाति विशेष को उन्होंने कुछ नहीं बोला है, वो सिर्फ एक कविता के माध्यम से उन्होंने कविता कहा है सदन में, किसी वो जाति किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोले हैं। ठाकुर तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ठाकुर तो भिखारी ठाकुर जी हैं, ठाकुर मतलब इस विशेष जाति नहीं हो गया, ठाकुर मतलब बहुत सारे लोग आता है और किसी ठाकुर की जाति किसी धर्म के विशेष नहीं बोले। लेकिन उन्होंने बोलने का मकसद यही था अपने अंदर ठाकुर मारो, अपने अंदर घमंड को मारो, अपने अंदर के घमंड को मारो। ठाकुर में घमंड नहीं होता है, इसे आप गलत में चलाइए ठाकुर में घमंड हो गया ये भी नहीं चला दीजिएगा। कहना मतलब है कि अपने अंदर बैठे हुए ठाकुरों को मारो, अपने अंदर। एक कविता है, कविता भी पढ़ेंगे, कविता हम भी पढ़ेंगे, कविता जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ में आज बयान दे रहे हैं टूट टूट कर, वो भी कविता पढ़े होंगे। लेकिन राजनीति का तो बयान दे रहे हैं, खुद भी विद्वान है जो लोग दे रहे हैं। और लेकिन बयान शुरू कहां से हुआ, किससे द्वारा शुरू किया गया, कहां शुरू हुआ, ये भी जानने वाली बात है। ये बीजेपी जो हमारी इंडिया का गठबंधन बनी हुई है, इंडिया का बंधन से बीजेपी घबरा गई है, इसे छोटे छोटे मुद्दे को उछाल रही है। क्या जो दानिश जी के बारे में सदन में बोला गया, क्या वो अमर्यादित नहीं था? उस समय कहां थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी कहां थे अमित शाह? ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बोलते हैं सदन में, उनको निलंबित कर दिया जाता है। हम तो मांग करते हैं बीजेपी सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए, चुनाव वाले प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं रमेश बिजोड़ी जो दानिश अली को तमाम गलत से लफ्जों से नवाजे, उन्हें बहुत तरह के कटुआ कहा गया, आतंकवादी कहा गया, मुल्ला कहा गया ओवरऑल। लेकिन बीजेपी तो उन्हें तो एक तरह से उस नफरत भरी बयान पर उन्हें एक तरह पदोन्नति कर दिया है, उन्हें एक तरह से प्रभार दे दिया है राजस्थान में जो चुनाव होने वाला है, तो ये क्या कहेंगे नफरत? बीजेपी राजनीति क्या है? बीजेपी राजनीति सिर्फ धर्मवाद है, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद यही तो है। बीजेपी का राजनीति है क्या? बीजेपी राजनीति इसी पर आधारित है, विकास कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्या करेंगे? बयानबीरों लोग को बढ़ावा दे रहे हैं बीजेपी। जिस दिन क्या नाम है उस सांसद का, रमेश बिजोड़ी, जिस दिन वो बोल रहे थे उस दिन हमारे गृह मंत्री जी उसी सदन में बैठे हुए थे, क्या उन कार्रवाई हुई? पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि वो क्या कार्रवाई हुई, क्या मनोज संजय सिंह पर कार्रवाई हो सकती है, राहुल यादव पर हो सकती है और इन पर नहीं हो गई? जो बीजेपी के रमेश जी हैं इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन तो उन्हें तो नवाजा गया है, उन्हें पार दिया है। देश कहाँ जा रहा है आप भी देखिए, देश कहाँ जा रहा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर नई सरकार देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की। क्या आपको लगता है? वैसे बहुत सारे नेता हैं जो डर जाते हैं, खौफ हो जाते हैं, लेकिन कौन डरता है? किसका वोट करे? कौन डरता है? औरंगा बिला से कौन डरने वाला है? हमारे लालू प्रसाद यादव जी किराना कितना बार आने की कोशिश की, जितने बार डर आए गए उतने बार और मजबूती से उभरे। जेल जाना वो तैयार हुआ, लेकिन किसी आए झुका नहीं। अब किसको कौन डरता है? कौन डर रहा है? लेकिन लालू यादव एक तरह चट्टान की तरह एनडीए में खड़े हैं और खासतौर पर इंडिया का, लालू इंडिया मतलब लालू पूरे इंडिया का बंधन एक चट्टान की तरह खड़ा है, पूरे इंडिया का बंधन। कश्मीर कन्याकुमारी तक जितने भी बीजेपी
के विरोधी दल है, जो संविधान में लोग विश्वास करते हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो सत्ता के लिए नहीं है, देश के लिए आज राजनीति कर रहा है, वो सारे लोग एक साथ है नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल करने के लिए, जिसके विश्वास हिंदुस्तान के संविधान पर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर है, वो सारे लोग इसमें एक साथ है सिर्फ नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल करने के लिए और देश में संविधान मुताबिक सरकार स्थापित करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगातार जो बयान देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया गठबंधन को, उन्हें उसे आतंकवादी संगठन जोड़ देते हैं, उलझुलू बयान देते हैं, क्या आपको लगता है कि शोभा देता है? क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डर गए हैं इंडिया गठबंधन से? और नहीं डर रहते तो हर सभा में इंडिया गठबंधन नाम क्यों लेते? और नहीं डर रहते हर जगह पर इंडिया ठगवा गठबंधन क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम देते हैं, वो क्यों लेते इस गठबंधन है? गठबंधन नहीं तरह है, हिंदुस्तान के जनता से डर गए हैं। जनता जा चुकी है, आपके बात में दीर्घमी हुए नहीं। जनता जनता को विकास चाहिए और जनता इसमें जा चुकी है। लेकिन आपसे एक लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरह से मतलब कि विकास पर राजनीति होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो नफरत की भरी बयान दिया जा रहा है, वो भी संसद भवन में या तमाम जगह पर मारपीट गाली गलौज, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे सरकार हैं जो उनका इकबाल खत्म हो गया है, वो चाहते हैं कि धर्म पर राजनीति करें, आप पोलराइज करें राजनीति? ये बीजेपी चाहती है, ये बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है और कोई दल नहीं है। बीजेपी के जो पार्टनर हैं वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी जान रही है कि हम जनता को अब नहीं बहला सकते हैं, जनता जज चुकी है, और जनता को बहलाने के लिए तरह तरह की हर कन्या अपने कोई हाथ करने में कामयाब नहीं होगी और 2024 में इंडिया गठबंधन का सरकार देश में बनेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमें तीसरी बार जिताइए और विश्व की तीसरी इकोनॉमी बना देंगे। मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं उससे क्या फर्क है? जनता क्या चाहती है उन महत्वपूर्ण है, मोदी जी कैसे नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त चीजें निकल कर आ रही है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और भी जगह पे चुनाव है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पूरा सर्वे सर्वा है और अपने मंत्रियों को भी एक तरह चुनाव लड़ाने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिए हैं, क्या कहें? छह केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या साबित हो रहा है? आप चुनाव हारने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह पर इंडिया का फंडिंग सरकार बनेगी तीनों जगह पर। लेकिन अपने मंत्रियों को चुनाव क्यों लड़ा, क्या डर है? क्या डर है? एक सीट उनके लिए लग रहा है कि नहीं निकल पाएगा, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी बयान भी दिए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, शायद न्यूज कैलाश विजयवर्गीय बयान दिए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो प्रचार करने की तैयारी में थे, आज हम चुनाव लड़ा दिए। ये हाल केंद्रीय मंत्रियों का है, केंद्रीय मंत्री भी उनसे उग गए हैं, तो फिर तो तानाशाही हो गया। तानाशाही चल रहा है, दो आदमी पूरे हिंदुस्तान चला रहा है। हिंदुस्तान चले संविधान चाहिए, हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन आज दो आदमी संविधान चला हिंदुस्तान चला रहा है, संविधान कोई लेना देना नहीं है इनको, इनको सिर्फ दो हिटलर शाही लोग बैठे हुए हैं गुजरात के, वही देश चला रहे हैं। क्या दिखते हैं कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एक तरह से? ये हमारी गठबंधन बड़ी बात नहीं, हमारा गठबंधन सबसे बड़ा है भीमराव अम्बेडकर, संविधान बचे और संविधान बचेगा तब कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कभी कोई एमएलए बनेगा, ये बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और प्रधानमंत्री हमारे पास कई उम्मीदवार है, हम तो मेरे अपनी विकल्प इच्छा है कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री सुना रहे हैं, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं हम, तो हमारी इच्छा है कि दूसरी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये हमारी इच्छा नहीं होगी, पूरे इंडिया का गठबंधन तय करेगा, पूरे हिंदुस्तान की जनता तय करेगी पीएम कौन बने। नहीं, हमारे गठबंधन में पीएम की कोई लफड़ा नहीं है, हमारे गठबंधन का कोई पीएम का मुद्दा नहीं है, पीएम कोई बात नहीं, हमारे पास कई ऑप्शन है पीएम के, उनके पास क्या ऑप्शन है? नरेंद्र मोदी छोड़ कोई ऑप्शन है उनके पास? एक चेहरा नरेंद्र मोदी, वो भी चेहरा महिला दूल्हा और क्या क्या हो गया है। हसी एक लास्ट सवाल, बिहार में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से 2014-19 में बीजेपी ने जबरदस्त सीटें जीती हुई है एमपी का चुनाव, लोकसभा चुनाव में, और क्या लगता है कितना सीटें देना चाहेंगे या कितना आप सीटें जीत सकते हैं? 2015 में क्या हुआ था जब बिहार में महागठबंधन था, 2015 के विधानसभा बीजेपी का क्या हाल हुई थी? अब गया था वही हाल 2024 चुनाव में होगा, 400 सीट हम जा रहे हैं जितने, 400 सीट इंडिया गठबंधन जितने जा रहे हैं बिहार में 400 हम जितने जा रहे हैं, और 2025 में बिहार में भी इंडिया गठबंधन सरकार
बनेगा। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रितेश यादव, बखूबी एक तरह से युवा राजद नेता हैं और पैनी निगाहें रखते हैं देश समाज में जो भी गतिविधियां चल रहे हैं और खासतौर पर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। बहरहाल देखते रहें जामिया और साथ में पब्लिक न्यूज। मैं तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मैंडा ब्लॉक के बस्ठा गांव।